की हालत ऐसी होगी, देख लीजिए आप। आ रहा आपको समझ में? काम चालू हो गया है, इसे सिलाई खोलते हैं। ये भाई ले आया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। सुबह के 9 बजे हैं और आप देख रहे हैं मेरा गर्मा गर्म व्लॉग। थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे ट्रेवलिंग के व्लॉग को जितना भी प्यार किया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी गाड़ी चल चुकी है 6 महीने से ऊपर हो गया है और इस गाड़ी को मैंने पेल दिया है 15,000 किलोमीटर के आसपास। जितने भी उतार चढ़ाव मेरे को इस गाड़ी के साथ हुए हैं सब मैंने आपसे शेयर किए हैं, चाहे वो मेरा एक्सीडेंट हो, चाहे मेरे वो ट्रिप हो। लॉन्ग लॉन्ग लंबे लंबे ट्रिप पर मैंने चला के गाड़ी को एक्सपीरियंस शेयर किया है। माइलेज दिखाई है, सिटी में दिखाई है, हाईवे पर दिखाई है, एसी में दिखाई है, नॉन एसी में दिखाई है, जो भी मेरा तजुर्बा है मैंने आपसे शेयर किया है। मैं चाहता हूँ कि मैं हर वो चीज़ आपसे शेयर करूँ ताकि आपको भी ज़िंदगी में थोड़ी हेल्प मिल जाए, डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाए। मैंने टूर एंड ट्रेवल किया, मैं इस गाड़ी को लेके काफ़ी दूर दूर निकला हूँ और वो भी मैंने आपसे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। और जितने भी मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ये तहे दिल से शेयर करता हूँ फ्रेंड्स। और आज का जो व्लॉग आने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि मेरी गाड़ी चल चुकी है 6 महीने से ऊपर, तो मैं अब डलवाने वाला हूँ गाड़ी में सीट कवर। सीट कवर में बहुत सी वैराइटीज़ हैं, तो आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। अगर अच्छे मिलेगी डील तो मैं आपसे डलवाऊंगा इसके अंदर। और ट्रेवलिंग के व्लॉग आपने देख लिए, कुकिंग, कैंपिंग, एवरीथिंग, कहाँ से बाल खरीदता हूँ मैं तो ये भी शेयर करता हूँ। रूफ टॉप कैंपिंग की मेरी बात चल रही है, लग जाएगा तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। और वो भी फिर लंबे लंबे ट्रिप आपको मिलते रहेंगे। तो फिलहाल चलते हैं गाड़ी के अंदर सीट कवर लगवाने के लिए और शेयर करते हैं आपसे तड़कता भड़कता एक एक्सपीरियंस। बहुत सारा दुकानें छानने के बाद मैं आ गया हूँ जे ऑटो। गाड़ी मैंने यहाँ खड़ी कर दी है। अब देखता हूँ कि क्या जे ऑटो वालों के पास भी सीट कवर के ऑप्शन है कि नहीं। सामने आ गए हैं चमुंडा जी। चमुंडा जी, मुझे मालूम नहीं था कि आपने सीट कवर काम भी शुरू कर दिया। क्या हाल है? पहले बात हाल तो मेरे बिल्कुल ठीक है। घूम के आए हो आप? हमें पूरा घुमाया। मजा आया? हाँ मजा आता, मुझे घूमने आ गया। पर मैं अभी सीट कवर के लिए भी काफी घूम के आया हूँ। अच्छा, सीट कवर के लिए हमारे पास देखो ना सीट। हाँ तो दिखाओ ना मुझे, क्या ये कर भाई, ये लगवाओ। टॉप एंड वाली है? हाँ बिल्कुल, टॉप एंड में जो लग के आता बिल्कुल उसी तरीके की फिनिशिंग। और आप देख सकते हो कहीं पर रिंकल्स नहीं है। है फिनिशिंग। तो ये क्या सीट अब निकाल लेते हो बाहर? है सीट में बाहर निकाल के फिर तरीके से फिटिंग होता है। ये होता है कस्टमाइज। कस्टमाइज में क्या करते हैं लोग, ये कारपेट आपका खोल के ये सब यूज कर लेते हैं अपनी सीट कवर में। बट वो ज्यादा अच्छी नहीं होता क्योंकि उसमें आपके पूरे जितने भी खालस, मतलब हमारे शरीर के खालस ही तरीके से सीट कवर, हाँ रिंकल्स पड़ जाते हैं, ये सब निकाल लेते हैं। अच्छा, फिर अपना सीट कवर लगा के बोले देखो जी सर मैंने क्या कर दिया, कारपेट दिखा दिया, वो सही नहीं है। कभी भी खाल को ऊपर से नहीं पहना जाता, नहीं खाल निकाल के। तो आप क्या करोगे? मैं इसी के ऊपर सीट कवर लगाता हूँ। देखो आप, ये थोड़ा सर, सीट कवर अंदर ही है। हम यहाँ से क्लैंपिंग करेंगे, फिर पूरी दोनों तरफ क्लैंपिंग करके अभी वापस अंदर हम डाल दिए इसको। अच्छा, अब यहाँ से क्लैंपिंग होगा, इधर 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 होगा, फिर हम फिटिंग कर देंगे। क्या हुआ कि ओरिजिनल का जो सीट कवर है इसके अंदर ही रहना चाहिए। अच्छा, तब जाकर भी सीट डनलॉप की सेफ्टी रहता है। लेकिन कटिंग कटिंग होती है बस, सीट की सिलाई, सिलाई की कटिंग होती है। तो फिर मेरे में कौन सा लगाओगे? क्वालिटी है इसके अंदर, जो ट्यूब की क्वालिटी है ये मैं कह रहा हूँ एक अलग ही लेवल है इसकी। आपको बाजार में नापा सीट कवर वगैरह ये सब सस्ते में मिल जाएगा। हाँ, पर ये जो चीज़ है। नहीं, मैं तो नाहरपुर भी घूम के आ गया बॉस, हर जगह धक्के खा के आ गया हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि आपने इतना फुल फ्लेज काम शुरू कर दिए। सर धीरे धीरे अभी तो उनको पीपीएफ का भी काम शुरू होने वाला हमारे पास। पीपीएफ का भी काम शुरू होने वाला है। अच्छा, तो बगल वाला शोरूम ले रहे हो क्या किराए पे? जी आप लोगों की बस कृपा होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बहुत लोग पूछ रहे हैं भाई कौशिक जी कैमरा लगा ले डम्मी आपने, ये कब चालू होगा गुरु जी? सर उस पर काम चल रहा है, बस इसकी अडेप्टर बन के आ जाए, कैनवास अडेप्टर जिस दिन बन के आ जाए सबसे पहली गाड़ी आपका 360 एक्टिवेट हो जाए। मुझे लग रहा भूल गए मुझे आप। कैसे भूल गए? वो लगा तो दिया आपने। अरे आप भाई के दोस्त मान लो, भाई मान लो, जो मान लो। बहुत लोग पूछ रहे हैं मेरे से कौशिक कब चालू करोगे कैमरे को। सर जी मैं कह रहा हूँ कैमरा पहली गाड़ी आपका लगाया था, 360 अभी हाफ वर्किंग है आपकी गाड़ी में हुआ था। हाँ, जिस दिन फुल वर्किंग हुआ आपकी गाड़ी में। चलो मैं वेट करूँगा, तो फिलहाल फिर मेरी गाड़ी में आप ये लगा दो, ये जो आप रिकमेंड कर रहे हो बढ़िया वाले। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। तो फ्रेंड मैं इनको ओके करता हूँ। इसमें आपको पेन नहीं होगा, लॉन्ग ड्राइव पे चलते तो पेन नहीं होगा। हाँ भाई वही लगाइए यार। तो क्योंकि मेरे फैब्रिक वाले कंफर्टेबल हैं और गुरुजी अभी बजे 12, मैं ये भी बताऊंगा कि भाई ये कब गाड़ी तो ले लेते हैं, करके कब देते हैं। चाबी मैंने आपको दे दी है और गाड़ी मेरी बाहर खड़ी है।
12-10 रुपए फटाफट चालू करो। और भैया मैं कवर भी कर दूंगा, आपको भी लगवाने लगवा लो। भाई कह रहे हैं 8,000 से। ये मैंने जो पसंद किए हैं 16,000 के। भाई लो भी चाय भी आ गई। भाई चामुंडा भाई फायदा है तो तुमने AC लगवा लिया है। चाय भाई पिलाने वाला जुगाड़ पूरा है इनका। काम चालू हो गया है, ये अब सिलाई खोल रहे हैं इसकी। और ये तो मेरी गाड़ी के पहले ही खुली हुई थी, ये तो मैंने ऐसे पटक कर रख दी यहाँ पे। अब ये इसको लेके जाएंगे, सिलाई खोल रहा भाई। देखो ये सिर्फ सिलाई खोलते हैं, बाकी इसको यूं को लगा दोगे ना, ये ऐसा लगा दो। ये देख ले भाई, ये होता है, ये सेंसर्स होते हैं, जैसे वजन पड़ता है इसके ऊपर वेट भी वेट चलता है, वेट के ऊपर ये सीट बेल्ट का आपको ये इशारा करता है, सीट बेल्ट लगा लीजिए। ये सीट ले आया पीछे निकाल के हमारी। क्या कर रहे हो भैया अभी इसमें? स्टिचिंग खोल रहे हैं। स्टिचिंग खोल रहे हो खाली ना, काट तो नहीं रहे ना? स्टिचिंग खोल रहे हैं भाई। ये स्टिचिंग है इस पर इसी कलर का है, ये ब्राउन है तो ये भी ब्राउन है, ब्लैक कलर नहीं है इसके ऊपर से, निकल के बाहर आती है। अगर ब्लैक कर दोगे तो निकलेगी नहीं, बाहर नज़र नहीं आएगी। अभी थोड़ी देर में ये सेम लगेगी। वो भाई ने लगाने शुरू कर दिए हैं। ये थर्ड रो वाली है, सीट निकाल ली इन्होंने यहाँ से, सीटें पूरी रिमूव होगी इसकी। ये सारी सीट्स तैयार हो रही है। ये जो स्कॉर्पियो एन है, हाँ जी, इसमें सबसे अच्छा वैल्यू फॉर मनी कौन सा मॉडल है? अगर सनरूफ चाहिए तो Z6, नहीं तो Z4। ये वैल्यू फॉर मनी है, वैल्यू फॉर मनी है। और जो Z2 गाड़ी है वो देखो जी, अगर आपको बजट के अंदर चाहिए, बजट के अंदर चाहिए और फैसिलिटी नहीं चाहिए तो Z2 बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, वरना Z6 सनरूफ, नहीं तो Z4 ले लो। तो ये आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी। हाँ, और Z2 उनके लिए जिनका बजट काफ़ी कम है। आपके पास जो मॉडिफिकेशन गाड़ियाँ आती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा मॉडल आता है? सर एक्चुअली क्या है, ये ऐसा नहीं आता कि डेली Z6 ही आया या Z4 आया। अभी Z4 जो है कंपनी डिलीवरी बंद कर रखा है। अच्छा, डिलीवरी बंद कर रखा है, इनके पास लॉट बनता है। Z6 बनना तो Z6 ही, और डिलीवरी मिलेगा तो Z6 के दबा के मिलेगा हमारे पास आएगा। अगर Z2 की डिलीवरी कंटिन्यू मिलने लगेगा Z2 आएगा, एक बीच में खाली Z4 आता था। अभी जैसे 6 महीने गाड़ी को लॉन्च हो गए, 6 ज़्यादा ही हो गया, तो सबसे ज़्यादा आपने कौन सी गाड़ी मॉडिफाई की होगी? कौन सी? Z6 ना, सबसे ज़्यादा वो की है। Z8 वाली पूरा मज़ा आ जाता है उसके अंदर ना, सुबह लेके गाड़ी शाम को दे देते हो आप। ये भाई ले आया है, ये मेरी गाड़ी की आखिरी वाली सीट भी आ गई यहाँ पर, ये है। तो अब ये भी हो जाएगी, ये ऐसे कट करते हैं इसको, पता नहीं क्या साइंसेस की भाई। देखो और ये भी बन रही है, जो बाकी सीट रह गई थी मिडल रो। और ये देखिए इसमें, ये भी आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या जुगाड़ है ये, कैसी है। मुझे कंफर्टेबल लग रही है, कुशन भी प्रॉपर लग रहा है। आप भी ध्यान रखना, जब भी कराएं तो कलर यही रखें जो गाड़ी के अंदर होता है, इसे वाइट या दूसरा कोई कलर ना कराएं। ये जो कलर आपको दिख रहा है ना, अलग कलर दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये कैमरे में पता नहीं जस्टिफाई हो नहीं रहा, थोड़ा सा डार्क कलर है ये, पहले आपको हल्का कलर दिख रहा होगा। ये Z6 है, राजस्थान से आई थी, इसमें भी सीट कवर लग रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ सीट कवर कैसे लगे हैं, कैसे लगेंगे गाड़ी में। फिलहाल गाड़ी के अंदर बिल्कुल गाड़ी खाली है, देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, देख लीजिए, सारा ऊबड़ खाबड़ हो चुका है गाड़ी, मतलब गाड़ी की ऐसे से मार रखी है फिलहाल तो। आ रहा आपको समझ में तो देख लो, मुझे तो फिलहाल कोई समझ में नहीं आ रहा। जब तक इसमें सीट्स नहीं लगेंगी,
बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये मेरे मैट्स पड़े हुए हैं, 70 जिन्हें कहते हैं। अब हमारी गाड़ी के अंदर सीट लगनी शुरू हो गई हैं। ये पहली सीट लग रही है और आपको पूरा लग चुका है, फिटिंग बाकी था। तो चामुंडा जी आप चेक करो, आपने जो लगाया बेस्ट लगाया ना गाड़ी मेरी। सर जी आपकी गाड़ी में कमी थोड़ी नहीं करूँगा कुछ भी, आपकी गाड़ी में कोई कमी नहीं रहेगा। प्रॉपर कंपनी का सीट कवर है और इसकी फिटिंग तो ऐसी लाजवाब है। अभी आप घूमने जाओगे ना, जाओगे टूर पे, तो पता लगेगा कि क्वालिटी क्या दिया हूँ। अच्छा, जब टूर में जाओगे ना लॉन्ग ड्राइव पे, तब पता लगेगा कि क्या चीज़ है। कोई नहीं, बाकी तो बताना कमेंट बॉक्स में भैया। प्राइस मैं अभी इनसे पूछ के बता दूंगा कितना चार्ज करेंगे। पता नहीं ये टूर के पैसे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, बता दूंगा कितने पैसे खर्च हुए इसमें। क्या यार, फिलहाल तो गाड़ी कंडीशन ऐसी है, वो लेके आ रहे हैं कि जा रहे हैं पता नहीं। अच्छा वो आ रहा है भाई, ले 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 ले। ये जो किस चीज़ की बनती है? ये प्यू लेदर है। प्यू लेदर, प्यू लेदर है, प्यू लेदर कहते हैं। लेदर होता है आर्टिफिशियल लेदर होता है ये, वो एनिमल्स का लेदर नहीं है क्योंकि मैं उसको अवॉइड करता हूँ। ये प्यू लेदर है। तो इसमें किसी भी भाई हमने हार्म नहीं पूछा है। कई आप सोच रहे कौशिक लेदर का लगा लिया है, चामुंडा जी ने लेदर का लगा के नहीं दिया है। हाँ जी वत्ता नहीं हुए, पर क्वालिटी इसकी ऐसी है। ओके, क्योंकि मैं काफ़ी जगह गया था तो काफ़ी अलग अलग लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो मेरी समझ में कुछ आया नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं हार थक के मैं कहूँ चलता हूँ जे ऑटो पे। वही नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग भी है। हाँ। समझ में नहीं आता कि यार क्या लगवाऊं क्या ना लगवाऊं। लेदर है, क्या है, कोई नापा प्यू बोलेगा, कोई साका प्यू बोलेगा, कोई इसको इटालियन प्यू बोलेगा, कोई अमेरिकन लेदर बोलेगा, कोई इसे बोफेलियन लेदर बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है और उससे पैसे ले लेगा, कुछ भी बोल सकता है। बट जो प्रॉपर चीज होता है इसे हम सिल्की नापा बोलते हैं। सिल्की नापा, सिल्क नापा जिसे बोलते हैं, सिल्क नापा होता है। अच्छा, एक नॉर्मल नापा होता है, ये सिल्क नापा है। ट्रिप ए और ट्रिप बी को भी ठीक कर दो ना मेरी आप। नहीं, वो हार्डवेयर की दिक्कत नहीं है, सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। अरे बहुत लोग गाड़ी दिक्कत है, वो हार्डवेयर की दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर दिक्कत है ना। अभी वो नहीं है, ये भाई लगा रहा है मेरी गाड़ी में। और मेरी गाड़ी में से कुछ करवाना है यार, बताओ क्या क्या करवाना है जी चामुंडा जी कि तो, नहीं बहुत है तो सिंपल फैमिली कार रखते हैं। हाँ पर ठीक है ठीक है, वो कैमरा याद रखना मेरा। अब ये सीट कवर भी लग गए मेरी गाड़ी के ऊपर। आई थिंक अब तो गाड़ी में मेरा कुछ काम बचा ही नहीं है, सारे काम हुए हैं भाई। ये बड़े दिनों ड्यू था, 6-7 महीने गाड़ी चलाई मैंने और अब ये काम भी करा लिया है। ये लग गए हैं सीट कवर और देख के तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। कलर थोड़ा डार्क है जो आप मोबाइल में देख रहे हैं, उससे अच्छा कलर लग रहा है। ये यहाँ पे ये जो होल है ना, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम रहती है, बार बार छेद रहते हैं। तो चामुंडा भाई से बोल रहा हूँ इसमें ये सेंसर से लगा दे। अब ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, अब 15-20 मिनट में उड़न छू होने वाला हूँ मैं। डम्मी सेंसर हैं ये होल को बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि शायद ये होल ना छोटे पड़ते हैं सेंसर के लिए, तो इनको बड़ा कर रहा है। ये 500 रुपये लेते हैं भाई इसके, और ये डम्मी सेंसर इसमें लग जाते हैं, वर्किंग नहीं रहेंगे, ये सब डम्मी हैं। गाड़ी में काम हो गया पूरा भाई, अब चलने का टाइम हो गया, अब चलते हैं। काफ़ी देर हो गई है, 7 बजने वाले हैं 6:30, और गाड़ी में मेरा काम हो गया। कल सुबह दिखाऊँगा कि गाड़ी में ये जो लगाया है मैंने सीट कवर, क्या क्वालिटी है, कैसे हैं, क्या है, क्या प्राइस है, बाकी आप बता ही दोगे मुझे। और चलते हैं सीधा घर क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। चामुंडा भाई काम हो गया? बिल्कुल हो गया। तो भाई अब देखो बिल्कुल शांत है, कोई बंदा नहीं यहाँ पे, मैं और चामुंडा जी हैं। जाने की तैयारी हो रहा है, बस 7 मार्च हो गया, 8 बजे निकलते हैं। बस निकलते हैं और चलते हैं भाई। सारी पेमेंट हमारी हो गई है, बता दो मैं आपको कितनी पेमेंट देनी पड़ती है। और हम यूट्यूबर से थोड़ा तो करना ही पड़ता है भाई, आप भी वीडियो बना के थोड़ा 2-4% डिस्काउंट आपको ज़्यादा मिल जाएगा। आप भी आइए, रामा रोड पे आइए, खुली डुली जगह आपने देख लिया भाई, और बिंदास हो गया काम कराइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये गाड़ी में लग गए हैं सीट कवर, देख लीजिए आप, ये है क्वालिटी, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, मैं तो बहुत खुश हूँ देख के। ये आप भी देखिए, बताइएगा मुझे।
कि चामुंडा जी ने जो लगाई है मेरे को, प्राइस मैं बताने वाला हूँ भी आपको, उन्होंने मेरे से प्राइस कोट किया था 16,000 रुपीज़, ये भी उन्होंने कर दिया है, लेकिन 16,000 रुपीज़ मैंने उनको पे नहीं किया, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स हमें वीडियो बनानी पड़ती है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट कर ली, तो उन्होंने मेरे को 14,000 रुपीज़ दिए, मैंने उनको 14,000 रुपीज़ में मेरे को उन्होंने ये मैं चाबी निकाल लेता हूँ, मेरे को ये सीट कवर लगा दिए हैं। तो अब बताना गाड़ी की जो लुक, मुझे तो बड़ी एनहेंस लग रही है, बाकी आप बताओ कि कैसे लग रहे हैं। ये भी हो गई है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो मेरी गाड़ी का जो कलर था ना कॉम्बिनेशन, उससे मैच भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि यार ये तो नीला हो गया पीला हो गया, जो 14,000 रुपीज़ की कॉस्ट मेरे को लगी है, लेकिन 5-6 घंटे लग जाते हैं। ये भी कर दिया उन्होंने, हेडरेस्ट जो वो भी किया है, आर्मरेस्ट भी किया है। तो फ्रेंड ये छोटा सा मेरा व्लॉग था कि गाड़ी की सीट्स मैंने चेंज करा ली है, 6 महीने से ऊपर हो गया था, तो बहुत ड्यू हो गया था, तो वो भी मैंने करा ली है और आपसे शेयर भी कर ली है। आपकी चॉइस और नंबर मैं मेंशन कर दूंगा जे ऑटो वालों का, आपको भी लगता है तो आप भी कीजिए, लेकिन ध्यान रखना करवाना वही है जो आपको गाड़ी में करवाना है, ज़बरदस्ती का सौदा मत करना कि यार ये कर दूँ वो कर दूँ अब, लेकिन सीट कवर से ये है कि मुझे लग बड़ा अच्छा रहा है, कंफर्टेबल भी हो गया है और गाड़ी की लुक भी काफ़ी अच्छी आ गई है। तो इस व्लॉग को अब यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।